भजन संहिता 107। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। वह जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वह व्याकुल हो गए। तब उन्होंने संकट के समय यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको संकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वह बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जो अंधियारे में और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, इसलिए कि वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्टों के द्वारा दबाया, वह ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट के समय यहोवा की दुहाई दी और उसने संकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। आमेन। यदि आप किसी संकट में, परेशानी में और दुख में हैं, तो आप भी इन लोगों की तरह प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। वह आपको उन संकट, परेशानी और दुखों से छुड़ाएगा। वह संकट के समय आपकी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।